हेलो एवरीबॉडी, सो वी हैव कंप्लीटेड द रीडिंग ऑफ चैप्टर टू एंड नाउ वी आर गोइंग टू द क्वेश्चन आंसर्स. आई फील यू वुड हैव रेड द चैप्टर थॉरली. हर एक वर्ड का आपको हिंदी मीनिंग पता लग गया होगा, सो दैट बिकम्स ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आंसर्स. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट वन इज व्हेन एंड वेयर डिड ग्रैंडफादर फाइंड द टाइगर कब. सर इज grandfather found the tiger cub. This is answer. Grandfather found the tiger cub during an hunting expedition in the Terai jungle near Dehra. Grandfather को tiger का बच्चा कहाँ पर मिला, जब वो hunting के लिए गए थे Terai jungle में Dehra के पास. ठीक है, the next is who named the tiger cub and what was it called. Tiger cub का नाम किसने रखा और उसको क्या कह के बुलाया जाता था. तो द आंसर इज grandfather named the tiger cub Timothy. grandfather ने नाम रखा टाइगर कब का और क्या रखा था, Timothy. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what was the diet of tiger cub in the initial days. शुरू के दिनों में टाइगर कब की, टाइगर के बच्चे की डाइट क्या थी, वो क्या लेता था. यू रेड ऑलरेडी इन द चैप्टर. इन द इनिशियल डेज द टाइगर कब वॉज गिवन मिल्क इन अ फीडिंग बॉटल. शुरुआती दिनों में टाइगर के बच्चे को फीडिंग बॉटल में, जिसमें बच्चे को दूध पिलाते हैं उस बॉटल में दूध दिया जाता था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द नेम्स ऑफ टू कंपेनियंस टिमोथी हैड. जो दो साथी थे टिमोथी के, कंपेनियंस मतलब साथी, उनका नाम बताओ. तो टिमोथीज टू कंपेनियंस वर टोटो. टिमोथी के दो साथी कौन थे, टोटो द मंकी, मंकी था जिसका नाम था टोटो, एंड अ स्मॉल मोंगरेल पपी, और एक छोटा सा पपी था मोंगरेल पपी जिसके बड़े बड़े बाल होते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज टिमोथीज फेवरेट प्लेस इन द हाउस. टिमोथी का फेवरेट प्लेस कौन सा था घर में, घर में कौन सा प्लेस था आपने पढ़ा चैप्टर में. टिमोथीज फेवरेट प्लेस वॉज द ड्रॉइंग रूम. ठीक है, हाउ वुड टिमोथी स्पेंड टाइम देयर. टिमोथी वहाँ पर अपना टाइम कैसे स्पेंड करता था ड्राइंग रूम में. टिमोथी वुड मेक हिमसेल्फ कम्फर्टेबल. टिमोथी अपने आप को पूरा कम्फर्टेबल कर लेता था ऑन अ लॉन्ग सोफ़ा. सोफ़ा के ऊपर अपने आप को पूरा कम्फर्टेबली बिठा लेता था. रिक्लाइनिंग विद डिग्निटी. रिक्लाइनिंग मतलब लेट जाता था, पूरा अपने आप को पूरा उस पर सेट कर लेता था. विद डिग्निटी मतलब पूरे प्राइड के साथ, पूरे प्राउड के साथ उस पर लेटता था. एंड स्नार्लिंग एट एनीबडी हु ट्राइड टू गेट हिम ऑफ. और उनकी तरफ वो गुस्से से देखता था जो कि उसको सोफे से हटाने की कोशिश करते थे. द लास्ट क्वेश्चन इज व्हेन एंड व्हाई डिड ग्रैंडफादर विजिट द जू. ग्रैंडफादर ने जू का विजिट कब और क्यों किया, कब किया था. आफ्टर सिक्स मंथ्स. सिक्स मंथ्स के बाद ग्रैंडफादर ने विजिट किया था. क्यों. आफ्टर सिक्स मंथ्स ग्रैंडफादर वेंट टू द जू टू मीट टिमोथी. किस लिए किया था, टिमोथी से मिलने के लिए. तो आफ्टर सिक्स मंथ्स ग्रैंडफादर वेंट टू द जू टू मीट टिमोथी. सो दीज आर योर शॉर्ट क्वेश्चंस एज ऑफ पार्ट ए फ्रॉम योर चैप्टर टू. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. विल मीट टुमारो देन. थैंक यू.